हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार द्वारा 4 किस्तों के रूप में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको दिए जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन से लेकर बैंक में पेंशन की धनराशि आने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का पूरा आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण भरना है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर अपना जनपद या जिला सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहां पर बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहां पर अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने गाँव को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना पूरा नेम यहाँ पर फिल करेंगे, जो नेम आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है आप उसी नेम को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहां से अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने फादर का फुल नेम या अपने हस्बैंड का फुल नेम आप यहां पर फिल करेंगे। फिर आप यहां से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को आप दोबारा यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना पूरा पता यहां पर लिखेंगे, जो आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर अपने बैंक का विवरण देना है कि आप किस बैंक में पेंशन की राशि चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक का नाम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा। फिर आप यहाँ पर बैंक शाखा का नाम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों, यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, इसी बैंक अकाउंट नंबर को आप दोबारा यहां पर कंफर्म करने के लिए फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आपका IFSC कोड खुद ही फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल करना है। आपका जो आय प्रमाण पत्र बना होगा, उस आय प्रमाण पत्र पर आपका आवेदन संख्या लिखा होगा। इसके बाद आप आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, तो वो भी आपको आय प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का फॉर्मेट JPG और JPEG होना चाहिए और जिसका मैक्सिमम साइज 20 KB तक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर अपना एज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप यहां पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 200 KB तक हो सकता है, और आपको यह आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन देंगे, जिसमें आप यहां पर टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, और आपको यहाँ पर आपका पंजीकरण संख्या मिल जाएगा। आप इस नंबर को नोट करके सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, नीचे आप यहाँ पर इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा आवेदक लॉगिन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप सबसे पहले पेंशन स्कीम में ओल्ड एज पेंशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो पंजीकरण संख्या आपको मिला था, आप उसे यहाँ पर फिल करेंगे, और जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था उसे फिल करेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे मोबाइल पर OTP सेंड किया जा चुका है। आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं।
दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे आवेदन की स्थिति में दिखाया गया है कि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर स्टेप 2 और स्टेप 3 कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ स्टेप 2 एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने आपका आवेदन पत्र आ जाएगा, जिसमें आप अपनी सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपने सही फिल किया है या नहीं। और जैसा देख सकते हैं, इसमें लिखा है आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है, समाज कल्याण अधिकारी को भेजने के लिए फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। अभी आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, फिर आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस फॉर फाइनली सबमिटेड, आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे आवेदन की स्थिति में यहाँ पर स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर अपने आधार का वेरिफिकेशन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ थर्ड स्टेप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर से आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर आधार सत्यापन होना है, जिसमें आपका नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद आप क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथेंटिकेटेड, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपका आवेदन पत्र आ जाएगा, आप इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर तीन लेवल बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपके द्वारा यहाँ पर फॉर्म को फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि आपके ब्लॉक में BDO के पास जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका फॉर्म SDM के पास जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब BDO या SDM के द्वारा फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाएगा, तो इस फॉर्म को लास्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो कि लेवल 3 है। इसके बाद दोस्तों, जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा इस फॉर्म को फाइनली लॉक कर दिया जाएगा और उनके द्वारा यहां पर आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके फॉर्म को PFMS के पास भेजा जाएगा, जो कि आपके अकाउंट को वैलिडेट करेगा। PFMS की तरफ से फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आपके खाते में 3,000 रुपए की पेंशन की किस्त भेजी जाएगी। पेंशन जारी करने की कोई भी तिथि या महीना निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतर 3 महीने होने के बाद पहले सप्ताह में पेंशन की धनराशि खातों में भेज दी जाती है। तो दोस्तों, जब आपके यहाँ पर तीनों लेवल्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और PFMS की तरफ से भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, तभी आपको पेंशन की राशि दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है। अगर आपको जल्दी से अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाना है, तो आप अपने इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लें और उसके साथ में बैंक की पासबुक और आधार कार्ड और अपना आय प्रमाण पत्र, इन सभी को अटैच करके आप अपने ब्लॉक में जाकर सबमिट कर दें और उन्हें बता दें कि आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिसके बाद ब्लॉक से आपके फॉर्म को जल्दी से वेरीफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद आप इसकी एक कॉपी लेकर अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर भी सबमिट कर दें और वहां पर उन्हें बता दें कि आपके आवेदन को जल्दी से वेरीफाई कर दिया जाए। इसके बाद वहां से भी आपके आवेदन को वेरीफाई कर दिया जाएगा, फिर PFMS की तरफ से आपके फॉर्म को खुद से ही वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैंक में आधार कार्ड जरूर लिंक करवा लें, तभी आपके खाते पर पेंशन की किस्त आएगी। इसके बाद दोस्तों, आप अपना नाम पेंशन की लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके खाते में पेंशन आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों, लिस्ट में नाम देखने के लिए आप वापस होम स्क्रीन पर आएंगे।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा पेंशनर सूची, आप इसमें से 2022 और 23 इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट आ जाएगी, आप जिस भी जिले में रहते हैं आप उस जिले को सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर अपना विकास खंड सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपना नगर निकाय सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत में जितने गांव होंगे उनके नेम यहाँ पर लिखे आ जाएंगे और उस गांव में कितने लोगों को पेंशन दी गई है उसकी संख्या यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, आप इसी संख्या पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में आवेदन से लेकर पेंशन आने तक का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।